हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश इम्प्रूवर क्लास 6 की चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मतलब होता है सफलता का रहस्य। तो हम देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर में क्या है। आज हमें पता चलेगा कि सफलता का क्या रहस्य होता है। हर इंसान सफल होना चाहता है लेकिन उसको हर इंसान सफल तो होना चाहता है लेकिन सारे लोग सफल हो नहीं पाते। अब सफलता किनको मिलती है, कैसे मिलती है, किस टाइप की क्वालिटी होनी चाहिए, यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हमें लाइफ में सफल होना है, किसी भी काम में सफल होना है, तो हमें किन किन चीज़ों को करना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस चैप्टर को सबसे पहले लिखने वाले राइटर का नाम देखते हैं। जेम्स एलन वॉज बॉर्न ऑन 1864। जेम्स एलन ने ये लिखा हुआ है और उनका जन्म 1864 में हुआ था, 1864 में हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट एजियस्ट। वो बहुत ही महान निबंधकार थे, वो बहुत सारे निबंध लिखते थे अलग अलग टॉपिक्स पर। ही रोट सो मेनी बुक्स ऑन ह्यूमन लाइफ। उन्होंने मनुष्य के जीवन पर आधारित बहुत सारी किताबें लिखी हैं। दिस एसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज फेमस बुक फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर। यह जो एसे है, ये जो निबंध यहाँ लिया गया है, यह उनकी प्रसिद्ध बुक से जिसका नाम पॉवर्टी टू पावर है उससे लिया गया है। ही डाइड ऑन 1912। उनकी मृत्यु 1912 में हुई थी। चलो देखते हैं जेम्स एलन ने इस सफलता का रहस्य के बारे में क्या बताया है। देयर इज सक्सेस एंड पावर वेयर देयर इज हेल्थ। जहाँ पे स्वास्थ्य होता है वहीं पर सफलता और शक्ति होती है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर सफलता और शक्ति हमें चाहिए, सक्सेस एंड पावर चाहिए, तो हमें स्वस्थ होना पड़ेगा। फेल्योर एंड पेनफुल इंसिडेंट कैन फाइंड नो प्लेस टू स्टे इन सच वन डिजीज़। असफलता और जो दर्द भरी घटनाएं होती हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, अगर हम उसको अपने माइंड में रखे रहेंगे तो एक बीमारी की तरह हमें परेशान करती रहेगी और कभी हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने ये बताया कि असफलता और दर्दनाक घटनाएं बीमारी के रूप में कभी भी कोई जगह नहीं पाती हैं, यानी हमें कोई भी जगह नहीं देना चाहिए। वी रियलाइज एज सून एज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन सिन द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट टू दोज माइंड्स एंड बॉडीज आर रेडी टू अडॉप्ट इट। फ्लीज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग प्योर एंड पॉजिटिव थिंकर एंड लाइफ गिविंग करेंट्स। तो जैसे ही हमें यह पता चलता है, वी रियलाइज एज सून एज, जितनी जल्दी हमें यह पता चलता है, महसूस होता है कि जो भी अगर बीमारी हमें होती है वो हमारी अपनी वजह से होती है, तो हम अपनी हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें जितनी भी बीमारियां होती हैं वो हमारी कहीं ना कहीं गलत रूटीन की वजह से होती है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हम खुद करते हैं जिसकी वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो डिजीज़ कम्स टू दोज हु अट्रैक्टेड टू दोज माइंड्स एंड बॉडीज़ आर रेडी टू अडॉप्टेड। बीमारियाँ उन्हीं को होती हैं जो इसको अडॉप्ट करते हैं, जो इसको अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर हम अपने दिमाग और शरीर को इस तरीके से बनाते हैं तो बीमारियां अपने आप हमें हो जाती हैं। जैसे अगर हमारी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है तो हमें बीमारी ज़रूर होती है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी इम्यूनिटी पावर अच्छी करनी होगी, पॉजिटिव थॉट्स लाने होंगे, लाइफ गिविंग करेंट्स यानी जो हमें जीवन देने वाली चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को करना चाहिए, खाना चाहिए, विचार लाने चाहिए, है ना। खाने पीने में हमें उन सब चीज़ों को रखना चाहिए जो पौष्टिक होती हैं, और दिमाग भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो अच्छे विचार आए। नेगेटिव थिंकर जो होते हैं, जो नकारात्मक विचार जो होते हैं, वो हमें बीमार कर देते हैं। तो
इम्यूनिटी पावर का मतलब यही हुआ कि हम शरीर से भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं और मानसिक तौर से अच्छे अच्छे विचार ले आएँ, तो हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी और हमें बीमारियाँ नहीं होंगी। जब हमें बीमारियां नहीं होंगी तो हम अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, पूरे मन से कर पाएंगे, और जब हम अपना काम पूरे मन से करेंगे तो हम उसमें सफल जरूर होंगे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में है, यू कांट एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ इफ़ यू आर सफरिंग विथ एंगर, वरी, एग्रीड, ज्वेलसी एंड रेस्टलेस कंडीशन ऑफ माइंड। यू कांट एक्सपेक्ट परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, आप कभी भी शारीरिक तरीके से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते जब तक आप अगर एंगर यानी क्रोध, वरी चिंता, ग्रीड लालच, ज्वेलसी ईर्ष्या जलन एंड रेस्टलेस कंडीशन ऑफ माइंड, हमारे दिमाग में अगर इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें रहेंगी यानी क्रोध, चिंता, लालच, ईर्ष्या जलन और हमारा माइंड अगर रेस्टलेस होगा तो उस केस में यानी कि हमारा माइंड अव्यवस्थित होगा, कुछ ना कुछ दिमाग में चिंता रहेगी, है ना, कुछ हम सोचते रहेंगे, कुछ परेशान रहेंगे, तो हम शारीरिक रूप से कभी भी हेल्दी स्वस्थ नहीं हो सकते। इट्स मीन्स दैट यू आर सोइंग सीड्स ऑफ डिजीज इन योर बॉडी। अगर इन सब चीज़ों के ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने शरीर में बीमारी का बीज बो रहे हैं। सोइंग सीड्स का मतलब बीज बोना, डिजीज़ मतलब बीमारी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में ये सब चीज़ों का ये सब चीज़ें अगर रहेंगी तो हम ज़रूर बीमार पड़ेंगे। यू शुड कीप योर माइंड इन ऑर्डर एंड कीप योर थॉट्स प्योर। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को व्यवस्थित करना पड़ेगा और अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। देन यू वुड एन्जॉय परफेक्ट फिजिकल कंडीशन, तब आप अपने परफेक्ट पूरी तरह से स्वस्थ रह पाएंगे। इफ़ यू विल थिंक जॉयफुल एंड लविंग थॉट्स देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी मेडिसिन। अगर आप बहुत जॉयफुल हैं, आनंदित हैं, खुश हैं और अच्छे अच्छे विचार आपके दिमाग में आते हैं तो आपको दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि आप अगर पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे और खुश रहेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपको कभी भी कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू कीप अवे द डिजीज़ ऑफ हेडेक, लीवर प्रॉब्लम, नर्वसनेस एंड जॉइंट एक, देन कीप अवे योर वरीज, ज्वेलसी, हेट्रेड्स, सेल्फिशनेस एंड सस्पिशियस। अगर आप चाहते हो कि आपको ना कोई सर दर्द हो, ना कोई लीवर की दिक्कत हो, ना कोई आप परेशान होने, कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं नर्वसनेस, तो इस तरीके के शिकार ना हो और कोई जॉइंट्स की प्रॉब्लम ना हो, जोड़ों का कोई दर्द ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी सारी चिंताएं, ईर्ष्या जलन, किसी से भेदभाव करना, घृणा करना, किसी स्वार्थी होना, अपने बारे में सिर्फ सोचना या संदेह करने वाली जो ऐसी चीज़ें हैं उनको अपने दिमाग से निकालनी होगी, तभी आप किसी भी प्रकार की कोई बीमारी से बच सकते हैं। इफ़ यू विल इंसिस्ट टू मेक वीक एंड टू रिवेन ऑफ मोरल ऑफ माइंड देन इट इज श्योर दैट यू विल बी सिक। अगर आपके दिमाग में ये सब कमज़ोर विचार, ये जो ख़राब विचार है ये सब होंगे तो आप ज़रूर बीमार पड़ जाएंगे। तो अब यहाँ हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं आगे क्या बताया गया है। Most of the people complain that they have broken down through overwork. कुछ लोग इस तरीके की शिकायतें भी करते हैं कि मैं बहुत सारा काम करने की वजह से थक गया हूँ, टूट गया हूँ। It is not right. यह सही नहीं है, ये बात सही नहीं होती है। It is not right. Work, whether of brain or body, is beneficial and health giving. जो भी चीज़ें आप करते हो, चाहे वो दिमाग का काम हो, चाहे वो शारीरिक
रूप से जो काम हम करते हैं ये हमेशा बेनिफिशियल होता है, ये हमें हेल्थ देने वाला होता है, स्वास्थ्य स्वस्थ करने वाला होता है। अ मैन हु वर्क्स स्टेडली एंड कामली फ्रीड फ्रॉम ऑल वरी एंड एंजाइटी। जो भी व्यक्ति जो भी इंसान अपने काम को पूरे शांति से और लगातार करता रहता है वो सारी चिंताओं से बच जाता है, फ्री हो जाता है। दिस मैन इज़ बेटर देन द मैन हु इज़ ऑलवेज हरीड एंड एंजियस, ही विल रिटेन हिज हेल्थ। वो ये इस तरीके का जो आदमी है वो उनसे काफ़ी अच्छा है जो बहुत जल्दी में रहते हैं, परेशान रहते हैं और वो अपना हेल्थ ख़राब कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमें अपने काम को बहुत ही ईमानदारी से शांति से करना चाहिए और सारी चिंताएं, सारी जो भी परेशानियां हैं उनको हम भूल करके अपने काम को अगर लगातार और शांति से करते रहेंगे तो हम सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्यूरिंग वर्क इज एकम्प्लिश्ड। बाय द पावर ऑफ फेथ यानी विश्वास, अगर हमें अपने काम में विश्वास है तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, उस काम में हम सफल जरूर होंगे। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन योर वर्क एंड फेथ इन योर पावर एकम्प्लिशिंग द वर्क व्हाट यू वांट टू डू बी ऑलवेज ट्रू टू द डिवाइन सेल्फ टू रिलाई अपॉन यू टू परस्यू योर पर्पस विथ अ फियरलेस एंड फ्रेस्टलेस हार्ट। बिलीव इट, द फ्यूचर विल येल्ड इन टू यू द नीड ऑफ एवरी थाट एंड एफर्ट नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल। तो यहाँ बताया गया है कि अगर आपको अपने काम में पूरी तरह से विश्वास है, आपको अगर भगवान पर पूरी तरह से विश्वास है तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे। आप जो भी चाहते हैं वो आप ईमानदारी से करते रहें, फियरलेस होकर के करते रहें, यानी बिना डरे, है ना, अच्छे से करते रहें, बिलीव करें, विश्वास करें अपने काम में भगवान पर, तो आपका जो फ्यूचर होगा वो इस तरह से होगा जैसा आप चाहते वैसे ही होगा। और कभी भी दुनिया का जो रूल है वो कभी भी फेल नहीं होता। दुनिया का, यूनिवर्स का, संसार का यही रूल है, जो इंसान पूरी ईमानदारी से अपने काम में विश्वास रख के लगातार उसको करता है वो कभी भी असफल नहीं होता। दिस इज़ फेथ एंड द लिविंग ऑफ फेथ, यानी यही विश्वास है और इसी में हमें रहना चाहिए, इस विश्वास में हमें रहना चाहिए, हमें अपने काम में विश्वास होना चाहिए। इट इज़ द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस सक्सेस एंड पीस एंड पावर, यही है रहस्य खुशी का, सफलता का और शांति और शक्ति का। इफ़ यू आर इन सोरो ऑलवेज रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, ऑलवेज रिटेन टू इट एज यू स्ट्रॉन्ग शेल्टर एंड स्टैंड फर्मली। अगर आप दुखी हैं तो आपका विश्वास हमेशा कमज़ोर होता जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए और अपने काम में लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, अपने काम में विश्वास रख करके लगातार कोशिश करना चाहिए। देन यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, तभी आप अपने लाइफ में सफल होंगे। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टूगेदर, सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता एक साथ चलती है, यानी कि जो भी इंसान स्वस्थ होगा माइंड से, दिमाग से और शरीर से वो ज़रूर सफल होता है। यानी कि कहीं ना कहीं सफलता हमारी स्वास्थ्य पर डिपेंड करती है, तो हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य को भी और मानसिक स्वास्थ्य को भी। शरीर से भी हमें स्वस्थ होना पड़ेगा और मन से भी हमें स्वस्थ होना पड़ेगा। सक्सेस विल कम इफ़ यू विल बिकम पॉसेस्ड ऑफ दिस फेथ, सफलता उन्हीं को मिलेगी जो अपने काम में विश्वास रखेंगे। यू विल नॉट टू बी ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेल्योर, आपको इस बात की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि असफल होंगे कि सफल होंगे, है ना, आपको पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। देयर इज नो नीड टू बिकम एंजियस अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यू विल वर्क पीसफुली joyfully knowing that right thoughts and right efforts bring right result। आपको जब काम आप कर रहे होते हैं तो आपको सफलता असफलता, वो काम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। आपको peacefully और joyfully यानी शांति से और खुशी खुशी वो काम लगातार करते रहना चाहिए और ये आप
दिमाग, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप सही तरीके से विचार और प्रयास करेंगे तो परिणाम अच्छे ही होंगे, यानी अच्छे काम का हमेशा अच्छा नतीजा ही होता है। तो हमें अपने काम को करते टाइम परेशान नहीं होना चाहिए और लगातार हमें अपने आप को काम को करते रहना चाहिए। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग विल फॉल इनटू योर हैंड्स एंड योर टेबल विल स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस। योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर ओन, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विथ यू आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी। तो आपको अपना काम खुशी खुशी करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, और आपका काम अपने हाथ आपके हाथ में है। आप जैसा करेंगे वैसे ही आप आपका काम चलता रहेगा। योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस। आप अगर अपना काम सही से करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सफलता मिलेगी। योर सक्सेस विल योर फेल्योर, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विथ यू। आपकी जो सफलता है, असफलता, ये सब आपके हाथ में है और आपके भाग्य भी अपने हाथ में ही है, ठीक है। आप अपनी किस्मत अपने से ही लिख सकते हो। ओनली यू आर द पर्सन हु इज मेकर ऑफ योर फेट विदाउट एनी कंडीशन। बिना शर्त के आप अपने भाग्य के निर्माता खुद ही हो। इफ़ यू आर लविंग, अनसेल्फिश, हेल्पिंग, लार्ज हार्ट एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस इवन दो यू मेक लिटिल मनी। अगर आप प्यार करने वाले हो, यानी सभी को प्यार करते हो और आप किसी आप स्वार्थी नहीं हो, है ना, आप अगर आपका बहुत बड़ा दिल है, आप सबकी हेल्प करते रहते हो, है ना, तो आप जरूर सफल होगे। भले ही आप पैसा कम कमाओ लेकिन आप सफल जरूर होते हो, यानी कि आपको बहुत सारे लोग चाहते हैं और आप अपने काम में ज़रूर सफल होगे। वॉट एवर योर वर्क में बी पोर इन टू इट। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पूरी तरह से लग जाओ, 100% दो। प्योर पोर मतलब अपना पूरा एनर्जी उसमें उड़ेल देना। ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल एंड कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट। आप अपने जितनी भी एनर्जी है अपना 100% उस काम में लगाओगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मिस्टेक्स मेक अ मैन परफेक्ट, यानी गलतियों से ही इंसान सीखता है और वो अच्छा कर पाता है। जैसे जैसे हम छोटी छोटी गलतियां करते करते उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, उसको सुधारते रहते हैं, तो हमारा काम अच्छे से होने लगेगा। सो फॉल्टलेस कम्प्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड कंपल्सरी लार्जर टास्क। तो छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं उसी से हम सीखते सीखते सुधार करते करते अपने काम को बहुत अच्छे से बड़े काम को भी अच्छे से करने लगेंगे। दस यू राइज बाई स्टडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल। इस तरह से आप हमेशा आगे बढ़ते जाओगे और कभी भी गिरोगे नहीं, कभी भी पीछे नहीं जाओगे। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ ट्रू सक्सेस, यही सच्ची सफलता का रहस्य है। द फूलिश वेस्ट ऑल देयर स्पिरिचुअल एंड मेंटली एनर्जी इन फूलिश चैटर एंड आर्गुमेंट। जो मूर्ख लोग रहते हैं वही अपनी शारीरिक और आंतरिक शक्तियों को व्यर्थ के विवादों में एक दूसरे से बहस करके बेकार कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ के विवादों में, एक दूसरे से फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। अ पर्सन हु डज नॉट मूव बाई हिज पेशेंस इज़ अ रियल मैन ऑफ पावर। अब एक व्यक्ति जो अपने पेशेंस को बनाए रखता है, उसी में लगा रहता है, वही उस सच्चे मनुष्य का शक्ति होती है। यानी कि हमें अपने पैशंस को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, सपनों के पीछे लगातार कार्य करना चाहिए। तो सो दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, अ प्योर हार्ट एंड अ वेल ऑर्डर्ड माइंड, अ वाइजली पर्पस एंड अ विलिंग फेथ। तो ये सफलता का रहस्य क्या है, सफलता का यही रहस्य है, हमारा हृदय एकदम शुद्ध होना चाहिए, हमारा माइंड में अच्छे विचार आने चाहिए, और अगर हम अपने काम में विश्वास रखेंगे और लगातार ईमानदारी से अपना काम करते रहेंगे तो हम ज़रूर सफल होंगे। तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में यही बताया गया है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें अपने हेल्थ को, स्वास्थ्य को सही रखना पड़ेगा, हमें अपने शरीर शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ होना पड़ेगा,
और मन में भी जो गंदे विचार होते हैं, ईर्ष्या, जलन, भेदभाव, किसी एक दूसरे से नफरत करना, इन सब चीज़ों को, नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो सकते हैं। अपने काम को पूरी तरह 100% ईमानदारी से अगर करते हैं तो हम जरूर सफल होते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में सफलता का रहस्य समझा और उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, इसको लाइक करें और इसी तरह से आगे मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।